हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति का परिचय। तो हठ योग के अलग अलग ग्रंथों की हमने चर्चा करी थी, उसमें हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, शिव संहिता और ये है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का हठ योग में महत्वपूर्ण स्थान है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति का अर्थ है प्रत्यक्षानुभूत सत्य के निश्चित मत का सूक्ष्म मार्ग। इस ग्रंथ के लेखक गोरक्षनाथ हैं। इसमें नाथ योग पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश डाला गया है। कहने का मतलब है कि जो नाथ पंथियों द्वारा जो योग का विकास हुआ उसके बारे में इसमें प्रचुर मात्रा में प्रकाश डाला गया है। इसमें शैव योग के प्रतिपादन के साथ आगम निगम पुराण स्मृति सम्मत योगाचार वैराग्य तथा मोक्ष के सैद्धांतिक प्रतीकात्मक एवं साधनात्मक पक्षों का समीचीन समन्वय भी बोधगम्य शैली में निरूपित है। 6 अध्याय में विभक्त यह ग्रंथ नित्य निर्विकार परम सत्ता को ही जीवात्म योग साधक के लिए प्रतिपाद्य स्वीकार कर उसके स्वरूप बोध अथवा अंतर्लय की पद्धति को सुनिश्चित करता है। ये 6 अध्याय हैं पिंडोत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविति, पिंडाधार, पिंड पद समरस भाव और नित्यावधूत लक्षण। मतलब लास्ट है जो अवधूत योगी है उसके क्या लक्षण है, अर्थात उसकी क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1 है पिंडोत्पत्ति। इसमें बताया गया है कि मतलब पिंड की उत्पत्ति कैसे होती है, इस शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है। तो नाथ योगियों का मत है इस सारे जो अध्याय है इसमें शरीर के बारे में, उसकी धातुओं के बारे में या उसमें जो जो चीज है उसके बारे में बताया गया है। और ये पूरा जो अध्याय है पिंडोत्पत्ति, तो उसमें पिंड की उत्पत्ति से लेकर के मतलब पिंड की उत्पत्ति से लेकर के जो जो भी चीज़ें उसमें आवश्यक तत्व हैं शरीर में सूक्ष्म स्थूल, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो नाथ योगियों का मत है कि सृष्टि जैसा कोई सत्य नहीं है, तथापि मानवीय बुद्धि की परिसीमा को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया गया है। परम सत 6 स्तरों से निकलकर स्वयं को भौतिक संरचना में विकसित करता है जिसे सृष्टि कहते हैं, परंतु परम सत जो अनामा है सृष्टि करने में सामर्थ्यवान नहीं है। यह मूल शक्ति जो सृष्टि का आधार है वह अपने 5 केंद्रों निजा, परा, अपरा, सूक्ष्मा एवं कुंडलिनी द्वारा कार्य करती है। इस अध्याय में यथा प्रसंग मानव के स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर वाणी के रूप चंद्रमा सूर्य की कलाओं का भी वर्णन किया गया है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में जो धातुएं हैं रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, ये धातुएं हैं, इनका अलग अलग इसमें इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग है। जैसे कितने मांस, कितना पल मांस है, कितना पल इसमें मज्जा है, कितना मेद है, इनकी संख्या भी दी गई है, मतलब इसकी मात्रा भी दी गई है। और इसमें बताया गया है कि जो वाणी के जो रूप हैं वो 5 रूप है और चंद्रमा की इसमें चंद्रमा की कलाएं बताई गई है 17, सूर्य की कलाएं बताई गई है। तो सूर्य की कलाओं में तापिनी, ग्रासिका, उग्रा, आकुंचनी, प्रत्याबोधिनी, स्मरा, आकर्षणी, तुष्टिवर्धिनी, ऊर्मी, रेखा, किरणवती, प्रभावती, स्वयं प्रकाशता, ये सूर्य की ये 13 कलाएं बताई गई हैं। तो ये 13 कलाएं से युक्त जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश भी इस शरीर में है। और अग्नि की जो 11 कलाएं हैं दीपिका, राजिका, ज्वालिनी, विस्फुट और प्रचंडा, पाचिका, रौद्री, दाहिका, रागिनी, शिखावती, ये मतलब इत्यादि ये इसकी
अग्नि की कलाएं बताई गई, अग्नि के अलग अलग रूप बताए गए हैं, और जो इसमें चंद्रमा की कलाएं हैं, 17 कलाएं हैं, इसमें आलोकिनी, लंपटा, प्रवृत्ति, लहरी, लोला, तो इस तरह की 17 कलाएं हैं। इन 17 कला, सूर्य की 17 कलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये माना गया है कि इस शरीर में जो भी इस पिंड में है, इस पिंड में जो सूर्य कला, चंद्रमा, इनकी जो अलग अलग हैं, इनकी जो कलाएं हैं वो भी इस शरीर में हैं। और इसके बाद बताया गया कि जो वाणी के 5 रूप हैं, इसमें बैखरी, और जो हम जोर से बोलते हैं, फिर हम जप में करते हैं, अलग अलग रूप, परापश्यन्ति, अलग अलग रूप है इसके। और इसके बाद आता है कि जो हमारा शरीर है, हाड़ मांस का तो है, लेकिन इसमें जो भी इसमें, ये ब्रह्मांड में जो भी चीज़ है वो इस शरीर में भी है। तो इसका वर्णन इस तरह से इस पिंड की बारे, पिंड के बारे में बताया गया है, या पिंड के मैं जो जो चीज़ें साधना की दृष्टि से जो चीज़ है इसमें, उसको इसमें इसका वर्णन किया गया है। दूसरा आता है इसमें दूसरा आता है पिंड विचार। पिंड विचार में ये कहा गया है कि इस पिंड में 9 चक्र हैं। 9 चक्र माने जो अपने मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान तक, कोई 6 चक्र मानते हैं, कोई 7 चक्र मानते हैं, इन्होंने 9 चक्र माने हैं। 16 आधार, 3 लक्ष्य, 5 व्योम तथा अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। तो 9 चक्र में है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र, आकाश चक्र, ये 9 चक्रों की बात आती है। इसके बाद 16 आधार, पादांगुष्ट, पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदाधार, मेड्राधार, उड्डयान, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिकाकार, तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिका, नासामूल, कपाट, ललाट एवं ब्रह्मरंध्र। तो 16 आधारों की बात इस अध्याय में कही गई है। एक मिनट, फिर आता है पिंड संविति। पिंड संविति में इस पिंड के साथ, इस शरीर रूपी पिंड के साथ ब्रह्मांड की एकरूपता दिखाई गई है, अर्थात जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है वही शरीर में भी व्याप्त है। 7 अधोलोक सुषुम्ना के मूल स्थान के नीचे एवं 21 लोक शरीर के ऊर्ध्व भाग में स्थान में है। 9 खंड, 7 द्वीप, 8 पर्वत, 7 नदियाँ, 7 समुद्र, 7 ग्रह, देव एवं सिद्धगण, सूर्य एवं चंद्रमा रूपी 2 आँखें, मेघ, लताएं, पादप इत्यादि इसी शरीर में व्याप्त है। इसके बाद आता है पिंडाधार, मतलब इस शरीर को आधार देने वाले कौन कौन से। इस शरीर में की जो अवलोमन शक्ति है, वह शक्ति सर्वव्यापक है, यही कुल और अकुल है, अर्थात कार्य और कारण है। शांत शक्ति अकुल है और व्यक्त शक्ति पंचविध है, परा, सत्ता, अहंता, स्फुरा, स्फुरता, कला, इन 5 रूपों में यह समस्त विश्व का आधार बनती है। कुल अकुल वस्तुतः दोनों एक ही हैं, अभिव्यक्ति के बाद दोनों का लय हो जाता है। मूल शक्ति एक होते हुए भी विभिन्न नाड़ी केंद्रों के माध्यम से वह गौण शक्ति रूपों में अभिव्यक्त होती है। मूलाधार, हृदय एवं सहस्रार में उन्हें क्रमशः अधो, मध्यम, ऊर्ध्व शक्ति या कुंडलिनी कहा जाता है। इसके बाद आता है पिंड समरस भाव।
इसमें उन उपायों का वर्णन किया गया है जिसमें योगी परम पद के साथ साम्यावस्था की प्राप्ति कर सके। इसी को समरस कहा गया है। अतः समरसता की प्राप्ति के लिए शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। यह तर्क वितर्क से नहीं अपितु गुरु कृपा से ही संभव है। सामरस्य योग के बाद योगी 12 वर्षों तक योग साधना करता हुआ अमर पद को प्राप्त होता है। फिर इसमें आता है कि अवधूत के लक्षण, जो अवधूत योगी है, अवधूत योगी के क्या लक्षण हैं, तो इसमें बताया गया है कि इसमें जो राग द्वेष से मुक्त है, जो बंधनों से मुक्त है, जिसका इंद्रिय और मन पर पूर्ण नियंत्रण है, जिसकी चंचलता नहीं है, जिसमें एकाग्रता है, जिसकी मतलब जो भौतिक जगत से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक जगत की जो जितनी भी जो योग्यताएं हैं उनको वह प्राप्त कर लेता है, सम अवस्था में रहता है और उच्च कोटि का साधक है, तो वह अवधूत योगी हो सकता है। अवधूत योगी की विशेषताएं वो हो सकती हैं। तो मेन रूप से अगर हम देखें, जो अवधूत योगी होगा वह सभी बंधनों से मुक्त होगा, इंद्रिय और मन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। तो जिसका अपने इंद्रियों पर मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है वही राजयोग या समाधि का, हठयोग की जो समाधि वह राजयोग है, तो वह राजयोग का अधिकारी हो जाता है। तो इस तरह संक्षेप में जो इसकी चर्चा की गई है, ज़्यादा इस ग्रंथ जो सिलेबस में दिया गया है, सिलेबस के आधार पर इसका जो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात कही गई है। और इसको पढ़ने के बाद इसमें मतलब साधना के हिसाब से अष्टांग योग की इसमें बात है, लेकिन इसमें और शरीर के बारे में ही ज़्यादा इसके बताया गया है कि शरीर के भीतर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, ये सभी हठयोग के ग्रंथों में लगभग आया, लेकिन इसमें वो क्या है क्या नहीं है इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। धन्यवाद।